तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव समेत 99 आरोपियों की सीबीआई के एक विशेष अदालत में चारा घोटाले के एक मामले में मंगलवार को उपस्थिति रहना है। लंबे इंतजार के बाद 950 करोड़ के चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में जहां 170 आरोपी थे, वही ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अविभाजित बिहार के 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है। उन्हें और बेच हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इन दिनों लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर है। अगर लालू यादव को भी 3 साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएंगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। 950 करोड़ रुपए का यह घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित है। आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाला मामले में 14 साल सेल की सजा सुनाई गई है और कुल 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें दुमका देवघर और ऊंचाईबासा कोषागार से जुड़े 4 मामलों में जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। सीबीआई ने जून 1957 में प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। एजेंसी ने प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रसाद, मिश्रा और 45 अन्य को दोषी ठहराया था और प्रसाद को रांची जेल भी भेज दिया गया था। दिसंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय ने मामले में प्रसाद को जमानत दे दी, जबकि दिसंबर 2017 में सीबीआई अदालत ने उन्हें 15 अन्य का दोषी पाया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेज दिया था। बाद में झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रसाद को अप्रैल 2021 में जमानत दे दी थी। वही आज की दूसरी खबर, ओडिशा के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यह पुलिस ने एक अधेड़ उम्र के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने 7 राज्यों में 14 महिलाओं से शादी की और बाद में उनको ठग लिया। आरोपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकारी बनकर महिलाओं से मिलता था। पिछले 48 सालों में देश के 7 राज्यों की 14 महिलाओं से कथित रूप से शादी करने वाले 60 वर्षीय एक व्यक्ति को यहां गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोप है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के पाटकुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी इस व्यक्ति ने कथित पत्नियों को छोड़कर भागने से पहले इन महिलाओं से पैसे लिए। हालांकि गिरफ्तार व्यक्ति ने आरोपों से इनकार किया है। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने बताया कि आरोपी ने 1982 में पहली शादी की थी और 2002 में दूसरी शादी तथा उसे इन दोनों शादियों से 5 बच्चे हुए। दास ने बताया कि 2002 से 2020 तक उसने वैवाहिक वेबसाइटों के माध्यम से अन्य महिलाओं से दोस्ती की तथा पहली पत्नियों को बिना बताए इन महिलाओं से शादी की। पुलिस के अनुसार वह आखिरी पत्नी के साथ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रहता था, जो दिल्ली में एक विद्यालय में अध्यापिका है। पुलिस का कहना है कि महिला को पिछली शादियों का पता चल गया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तब उसे किराए के मकान से गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार आरोपी अधेड़ उम्र की एकल महिलाओं से खासकर तलाकशुदा को अपना शिकार बनाता था, जो वैवाहिक वेबसाइटों पर साथी ढूंढती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी उसे छोड़ने से पहले उसके पैसे ले लेता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 ATM कार्ड और 4 आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त